प्रयागराज के नैनी सब्जी मंडी में मिस इंडिया अर्थ दीवा फिजा खान ने बुधवार को गरीब बच्चों, महिला, बड़े बुजुर्गों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया। समाज सेवी व युवा सहयोगियों के साथ स्वच्छता अभियान कई घंटे तक चला। लोगों ने श्रमदान करते हुए मोहल्लों को स्वच्छ बनाकर ऐसे ही बनाए रखने का संदेश दिया। बताया गया कि स्वच्छता ही अच्छे स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है। फिजा खान ने कहा, साफ सफाई ईश्वर भक्ति के बराबर है। स्वच्छता संबंधी शिक्षा आवश्यक है और कहते हैं कि जिसने ठान लिया जीत उसी की है और उसी जीत को हमने हासिल किया है। सफाई रखिए, सबसे कह रहे हैं सब लोग सफाई रखो, आसपास अपने घर से सफाई स्टार्ट करिए, अपने बाहर तक सफाई लाइए। हम एक दूसरे को नहीं कह सकते, हम खुद से स्टार्ट करते हैं। मैंने खुद से स्टार्ट किया, अब हम आपसे कह रहे हैं कि आप सब लोग सफाई रखिए। सफाई रखेंगे तो बीमारियां नहीं होंगी। जिस तरह से बाढ़ आई, बीमारी भी आई है, तो जितना हो सके हम आसपास अपने सफाई रखें ताकि बीमारी से बच सके और परेशान न हो हॉस्पिटल जाने में और इन लोगों की पढ़ाई पर ध्यान दे सके। बीमार होंगे तो स्कूल कैसे जा पाएंगे। फिजा खान को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। उन्होंने भी लोगों को निराश नहीं किया और हाथ मिलाकर उनका अभिवादन किया। प्रयागराज की फिजा खान ने मिस इंडिया अर्थ दीवा 2019 का ताज जीता है। नैनीताल में हुई इस प्रतियोगिता में फिजा ने यूपी का प्रतिनिधित्व किया था। और परेशान न हो हॉस्पिटल जाने में और इन लोग की पढ़ाई पे ध्यान दे सके। बीमार होंगे तो स्कूल कैसे जा पाएंगे, है ना? कैसे स्कूल जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे और कैसे मेरे तरह बनेंगे फिर, है ना? मेरे तरह सुंदर बनना है ना, अच्छा बनना है ना। सफाई लाइए, हम एक दूसरे को नहीं कह सकते, हम खुद से स्टार्ट करते हैं। मैंने खुद से स्टार्ट किया, अब हम आपसे कह रहे हैं कि आप सब लोग सफाई रखिए। सफाई रखेंगे तो बीमारियाँ नहीं होंगी। जिस तरह से बाढ़ आई, बीमारी भी आई है, तो जितना हो सके हम आसपास अपने सफाई रखें ताकि बीमारी से बच सके और परेशान न हो हॉस्पिटल जाने में और इन लोग की पढ़ाई पर ध्यान दे सके। बीमार होंगे तो स्कूल कैसे जा पाएंगे, है ना? कैसे स्कूल जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे और कैसे मेरे तरह बनेंगे फिर, है ना? मेरे तरह सुंदर बनना है ना, अच्छा बनना है ना। किसको किसको सुंदर बनना है मैडम की तरह? हमको, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपकी बेटी है। मेरी बेटी, अरे बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपको एजुकेटेड कर रही है, बहुत बड़ी बात है कि आप बच्चों को पढ़ा लिखा फर्क नहीं है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही कि बेटी बेटा में फर्क नहीं है। खलाए वो कूड़ा करकट घर के सामने साफ कर रही है, आप साक्षात देख सकते हैं। और अभी मुझे अच्छा नाम कमा रहे हैं आप लोग, तो जैसे क्या सब जानते हैं कि कल गांधी जयंती है और वैसे ही गांधी जी का भी ये सपना था कि हमारा भारत स्वच्छ रहे, मोदी जी भी यही सोच रहे हैं, हमारा भारत स्वच्छ रहे। हम भी यही चाहेंगे कि हमारा भारत स्वच्छ रहे। आज हम उसको साफ रखने के आने वाली पीढ़ी से स्वच्छ बाकी पीढ़ी से चलते चलते।